हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़ी सी होंगे। तो भाई लोग, मैं फिर से आपके मनोकामना से पाकिस्तान से एक जाहल वाले कंटेंट लेकर बस हाजिर हो गया। हाँ, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। सो भाई लोग, आज ये टॉपिक है ना, वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ भाई फनी सा भी टॉपिक है। सो भाई लोग, आज ये टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान बीट्स न्यूजीलैंड। और भाई, न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान का जो जज्बा है ना, वो भाई आसमान छू रहा है। अच्छा भाई, इतने मैच हारने के बाद फाइनली पाकिस्तान एक मैच तो जीता भाई, इतने देर के बाद। और भाई, उम्मीद है कि भाई सेमीफाइनल्स में भी चले जाए। लेकिन पाकिस्तान का भाई ये मानना है कि भाई उन्हें अब कोई भी टीम नहीं हरा सकती है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के ही जाएगा। लेकिन भाई उन्हें पता नहीं, उनका बाप इंडिया उनका इंतजार कर रहा है। तो भाई चलिए, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और भाई देखते हैं पाकिस्तान की जाहिल जनता है उस पर और क्या क्या कहती है, और भाई उसके बाद हम ना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का समाधान भी करेंगे। तो चलिए, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई कॉमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे क्वेश्चन इन्होंने लाने के लिए। तो चलिए, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की जीत पर? आज हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो है फतह हासिल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, न्यूजीलैंड को बड़ा धोया है, क्या कहेंगे? यकीन नहीं था वैसे, लेकिन हमारी टीम ने जो किया ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। हमारी टीम ऐसी है, कमी कुछ भी कर सकती है, ये बात है। कभी सारी कोलैप्स भी हो सकती है और कभी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फखर जमान के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह उन्होंने आज छक्के लगाए हैं, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि फखर जमान बहुत अच्छा खेलेगा और उसने अपनी कारगर्दगी अच्छी दिखाई है। वर्ल्ड कप लग रहा है अब पाकिस्तान ले आएगा? बहुत अच्छे, मैं बहुत कॉन्फिडेंस यकीन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे। अच्छा अच्छा, पहले क्या लग रहा था कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा या नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा। हाँ इंशाल्लाह, सब उखाड़ फेंकोगे तुम भाई। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से हमेशा पाकिस्तानी गेंद जलील होते हैं। एक मैच क्या जीत लिया, आज वर्ल्ड कप हमारा, फिर एक मैच हार जाएंगे, अपने प्लेयर्स की माँ बहने कर देंगे। तो भाई इनकी बातों का ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं, तो भाई चिल बैठो। पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जा सकता है? इंशाल्लाह क्यों नहीं, जीतेगा भी, सेमीफाइनल भी जीतेगा। आज का मैच देखा आपने? इंशाल्लाह हाँ, पूरा देखा मैंने। कैसा लगा आज के मैच के अंदर फखर जमान की परफॉर्मेंस, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है, और पहले भी अच्छा खेला, पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था। अच्छा? आज तो उससे भी अच्छा खेला ज्यादा। तो क्या फखर जमान को पहले लेके आ जाना चाहिए था? तो इनको चाहिए था, लेके गए थे, इनको पहले खिलाना चाहिए। ओपन मेन बैट्समैन यही था इनके पास, तो खिलाया क्यों नहीं? तो इन अनफिट है थी पहले भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा बड़ा लगता है, इमाम या फखर? फखर जमान तो बहुत बड़ा प्लेयर है, इसके साथ का किसी के पास प्लेयर नहीं है। इंडिया वाले भी इससे डरते हैं। इंडिया भी डरता है इससे? इंडिया अगर इतना डरता तो 8 मुकाबले हुए हमारे और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप के अंदर, हम एक भी नहीं जीते। तो वो तो एक इनकी मर्जी है, नहीं जीते, वो मैच तो बहुत अच्छे हुए थे। अच्छा, कैसे देखते हैं आप हर चीज को, कि ये जब हालात मतलब के मैच की किस तरफ जा रहे? इंशाल्लाह जैसे नीचे से ऊपर आया पाकिस्तान, उम्मीद तो है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचेगा। अच्छा चलो, अभी अगर प्रिडिक्शन सेमीफाइनल तक नहीं जाते, अगर इंडिया के साथ फाइनल हो जाता या सेमीफाइनल में जाते, कौन जीतेगा? अगर इंडिया के साथ हो गया इंशाल्लाह हर का पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम या फिर विराट कोहली, कौन बड़ा प्लेयर है? बाबर आजम है। अच्छा, बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है तो हम इंडिया के अगेंस्ट में क्यों नहीं जिताया अभी तक? वो तो अब गुड बैड लक चलती रही इतने मैचों में, अब गुड लक शुरू हो गई, 2-3 मैच हो गए, गुड लक शुरू हो गई। भाई पाकिस्तानी ना एक नंबर के कॉमेडियन है, सब एक एक कार्टून है भाई। एक ही मैच जीते हो, ज्यादा फूलो मत, कहीं ऐसा ना हो भाई कि भाई जब तुम्हारे गंदी पिटाई हो तो भाई तुम्हें मुंह छुपाना पड़े, वो भी भाई इंडिया के हाथ से नहीं, किसी और के हाथ से। तो भाई अपने शब्दों का जरा ध्यान रखना। चल निकाल अब। अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद अदनान। क्या कहना चाहेंगे, आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया? सर माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये आलम इस्लाम की फतह है, इंशाल्लाह हम इंडिया से भी जीतेंगे। अच्छा, आलम इस्लाम की फतह किधर से आ गई? जी जी माशाल्लाह, हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है, तो जब हमारा मुल्क इस्लामी है तो जाहिर सी बात है ये आलम इस्लाम की फतह हुई ना। अच्छा, फिर इंडिया से क्यों नहीं जीत पाते हम? इंडिया तो बेसिकली इंशाल्लाह आज हम इंडिया से भी इस बार जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या वजूहत है कि इंडिया के साथ 4 मुकाबले हुए, चारों हार गए? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हार गए हैं, वो कोशिश भी की इन्होंने। इंडिया के साथ 8 मुकाबले हुए, 8 हारे हैं, तो इंशाल्लाह इस बार तो हम लाजमी जीतेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, फजलो करम से।
सर हम हर बार इंशाल्लाह कहते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। इस बार हमारे प्लेयरों ने जो कारगर्दी दिखाई है ना, वो तो इंशाल्लाह हमें ऐसे ही लगता है कि इंशाल्लाह हम इंडिया से अच्छे रन से जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी जी, इंडिया से इस बारे में हार गए, अभी फाइनल में जाएंगे तो जीतेंगे ना जी? क्या सेमीफाइनल तक जा पाएगी टीम? जी जी, हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छे रन रेट से हम जीते हैं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे। अच्छा इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स में आओ इंशाल्लाह, तुम्हारे जियान में बम्बू देंगे इंशाल्लाह, फिर ग्राउंड पे मत रहो ना इंशाल्लाह, पहली टिकट में घर भेजेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद अगर बोला कि भाई मैच फिक्सिंग था तो भाई इंशाल्लाह लाइव कैमरा पे आके जियान मारूंगा सच में। आपका नाम? तारिक। तारिक क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की जीत पर और न्यूजीलैंड की हार पर? 402 का न्यूजीलैंड ने हमें टारगेट दिया, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान इसको अचीव कर पाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। बिल्कुल, ये बहुत ही अनबिलीवेबल था क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा था और उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला और फ़ख्र जमान की जो बैटिंग थी और बाबर आजम की भी, तो इस हिसाब से खेला तो बहुत इन्होंने अच्छा, आज इन्होंने दिखाया है कि बिल्कुल वर्ल्ड कप में कॉम्पीट कर सकता है पाकिस्तान, और बहुत ही अच्छी जीत थी आज की। आज तो खुशी हुई है दिल से, मुझे ही नहीं पूरे पाकिस्तान को हुई है। बिल्कुल, बाबर आजम को पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था, कहा जा रहा था इनको रिप्लेस कर दें, ये परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन आज तो बाबर आजम भी चल गए हैं। बिल्कुल चल गए और उन्होंने दिखा दिया है कि किंग तो वही एक ही है, और बिल्कुल उन्होंने बैटिंग दिखाई है। इंशाल्लाह फाइनल में भी हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो वर्ल्ड कप का असली पता लगेगा। ठीक है भाई, हम तो चाहते हैं कि भाई सेमीफाइनल्स में इंडिया और पाकिस्तान का और एक बार टाकरा हो, ताकि भाई तुम्हें जलील करने में और भी ज्यादा मजा आए। बॉय बस वेट है, देखते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में आ पाता है कि नहीं। आओ बेटे, तुम्हारा ही सिर्फ इंतजार है। ये हुई ना बात, सही बात है। So that is guys, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करो भाई वीडियो आपको कैसी लगी, अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसी पसंद आई हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर से कर देना, ऐसे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटे से मिलेगा आगे के लिए लाने के लिए। तो मैं मिल चुका हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक नई कॉन्टेंट लेके, और भाई ऐसे जाहिल वाली कॉन्टेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। मैं मिल चुका हूँ, वंदे मातरम, जिन्हें लिखेगा वंदे मातरम।